आज के नीमच मंडी भाव। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित एकमात्र न्यूज चैनल MB7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए आज का नीमच मंडी भाव। नए सोयाबीन का न्यूनतम भाव 5,000 रुपए से अधिकतम 6,200 रुपए रहा। सोयाबीन का न्यूनतम भाव 5,000 रुपए से अधिकतम 6,400 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें प्याज की तो न्यूनतम भाव 100 रुपए से अधिकतम 2,100 रुपए रहा। कलौंजी का न्यूनतम भाव 12,000 रुपए से अधिकतम 17,100 रुपए रहा। वहीं नया देशी लहसुन का न्यूनतम भाव 500 रुपए से अधिकतम 6,400 रुपए रहा। G2 लहसुन का न्यूनतम भाव 3,000 रुपए से अधिकतम 7,000 रुपए रहा। नया ऊटी लहसुन न्यूनतम भाव 2,000 रुपए से अधिकतम 7,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें नया धनिया की तो न्यूनतम भाव 5,000 रुपए से अधिकतम 8,400 रुपए रहा। अजवाइन का न्यूनतम भाव 8,000 रुपए से अधिकतम 13,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें चिरायता की तो न्यूनतम भाव 800 रुपए से अधिकतम 1,800 रुपए रहा। इसबगोल का न्यूनतम भाव 10,000 रुपए से अधिकतम 13,700 रुपए रहा। धनिया बादामी का न्यूनतम भाव 6,000 रुपए से अधिकतम 7,200 रुपए रहा। धनिया इगल का न्यूनतम भाव 7,000 रुपए से अधिकतम 7,800 रुपए रहा। धनिया बढ़िया ग्रीन न्यूनतम भाव 7,200 रुपए से अधिकतम 8,400 रुपए रहा। मेथी का न्यूनतम भाव 5,000 रुपए से अधिकतम 6,400 रुपए रहा। वहीं मेथा का न्यूनतम भाव 6,000 रुपए से अधिकतम 6,800 रुपए रहा। अगर बात करें अलसी की तो न्यूनतम भाव 8,000 रुपए से अधिकतम 9,750 रुपए रहा। मूंग का न्यूनतम भाव 4,000 रुपए से अधिकतम 6,200 रुपए रहा। मसूर का न्यूनतम भाव 4,500 रुपए से अधिकतम 6,400 रुपए रहा। तिल्ली का न्यूनतम भाव 7,400 रुपए से अधिकतम 9,700 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें रायडा की तो न्यूनतम भाव 5,000 रुपए से अधिकतम 7,000 रुपए रहा। डॉलर चना का न्यूनतम भाव 4,400 रुपए से अधिकतम 8,400 रुपए रहा। वहीं विशाल चना का न्यूनतम भाव 3,800 रुपए से अधिकतम 4,600 रुपए रहा। देशी चना का न्यूनतम भाव 3,500 रुपए से अधिकतम 4,200 रुपए रहा। मूंगफली का न्यूनतम भाव 3,000 रुपए से अधिकतम 5,100 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें जो की तो न्यूनतम भाव 1,800 रुपए से अधिकतम 2,100 रुपए रहा। मक्का का न्यूनतम भाव 1,200 रुपए से अधिकतम 1,900 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें गेहूं की तो गेहूं का न्यूनतम भाव 1,700 रुपए से अधिकतम 2,100 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें तारामीरा की तो न्यूनतम भाव 4,500 रुपए से अधिकतम 5,800 रुपए रहा। पीली सरसों का न्यूनतम भाव 6,000 रुपए से अधिकतम 8,000 रुपए रहा। उड़द का न्यूनतम भाव 2,000 रुपए से अधिकतम 6,500 रुपए रहा। असगन बढ़िया का न्यूनतम भाव 23,000 रुपए से अधिकतम 30,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें असगन मीडियम की तो न्यूनतम भाव 13,000 रुपए से अधिकतम 23,000 रुपए रहा। असगन एवरेज का न्यूनतम भाव 10,000 रुपए से अधिकतम 15,000 रुपए रहा। तुलसी बीज का न्यूनतम भाव 13,000 रुपए से अधिकतम 20,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें आंवला की तो आंवला का न्यूनतम भाव 1,000 रुपए से अधिकतम 6,400 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें पोस्ता टीनोपाल की तो न्यूनतम भाव 1,35,000 रुपए से अधिकतम 1,42,000 रुपए रहा। पोस्ता सेमी टीनोपाल का न्यूनतम भाव 1,30,000 रुपए रहा। पोस्ता बढ़िया न्यूनतम भाव 1,15,000 रुपए से अधिकतम 1,25,000 रुपए रहा। पोस्ता एवरेज का न्यूनतम भाव 1,00,000 रुपए से अधिकतम 1,20,000 रुपए रहा। असगन पत्ती का न्यूनतम भाव 500 रुपए से अधिकतम 600 रुपए रहा। देशी लहसुन बढ़िया फूल गोला न्यूनतम भाव 3,500 रुपए से अधिकतम 6,400 रुपए रहा। वहीं देशी लहसुन फूल गोला का न्यूनतम भाव 3,000 रुपए से अधिकतम 4,500 रुपए रहा। वहीं देशी लड्डू माल का न्यूनतम भाव 2,000 रुपए से अधिकतम 3,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें देशी मीडियम माल की तो न्यूनतम भाव 1,000 रुपए से अधिकतम 2,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें देशी हल्का माल की तो न्यूनतम भाव 500 रुपए से अधिकतम 1,000 रुपए रहा।
वहीं अगर बात करें ऊटी लहसुन बॉक्स क्वालिटी की तो न्यूनतम भाव 5,000 रुपए से अधिकतम 7,000 रुपए रहा। ऊटी लहसुन फूल गोला का न्यूनतम भाव 4,000 रुपए से अधिकतम 6,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें ऊटी लड्डू माल की तो न्यूनतम भाव 4,000 रुपए से अधिकतम 4,500 रुपए रहा। ऊटी मीडियम माल का न्यूनतम भाव 3,000 रुपए से अधिकतम 4,000 रुपए रहा। वहीं अगर बात करें ऊटी हल्का माल की तो न्यूनतम भाव 2,000 रुपए से अधिकतम 3,000 रुपए रहा। नीमच मंडी भाव की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।